दोस्तों, आपने अपने बचपन में बहुत से ऐसे चाइल्ड एक्टर्स को देखा होगा जिनकी एक्टिंग आपको आज भी याद होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं पुरानी बॉलीवुड मूवीज में नजर आने वाले वो बच्चे और ढेरों टीवी सीरियल्स में आपका एंटरटेनमेंट करने वाले वो चाइल्ड एक्टर्स आज कहाँ हैं? कुछ लोगों को आप जरूर जानते हैं जो आज फेमस सेलिब्रिटीज हैं, जैसे अनुष्का सेन, जन्नत जुबेर। लेकिन बहुत से ऐसे दूसरे बच्चे जो बचपन में आपका एंटरटेनमेंट किया करते थे और उनकी एक्टिंग आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती थी, आज वो कहीं गायब ही हो गए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपकी सभी पुरानी यादों को ताज़ा करने के साथ साथ उन बच्चों के बारे में भी बताने वाली हूँ जो एक टाइम पर आपका दिल जीत चुके हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ बच्चों के बारे में जो एक टाइम पर आपको खूब एंटरटेन किया करते थे, आज वो कैसे दिखते हैं और अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है ये बच्चा जो कि 90s की काफ़ी सारी मूवीज़ में नज़र आ चुका है, और इस बच्चे को आपने ज़्यादातर मूवीज़ में एक छोटे लड़के के रोल में ही देखा होगा। लेकिन आपको बता दूँ कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जो कि आज काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं। इनका नाम एहसास चन्ना है और ये आज 23 साल की हैं और आज ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी पॉपुलर हैं और साथ ही काफ़ी सारी वेब सीरीज़ जैसे गर्ल्स हॉस्टल, घर वापसी में भी नज़र आ चुकी हैं। और अगर आप चाहें तो आप इन्हें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर आज 3.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं कोई मिल गया जैसी बॉलीवुड मूवीज़ से अपनी क्यूट एक्टिंग और इनोसेंट आवाज़ से लोगों का दिल जीत चुकी हंसिका मोतवानी, जो कि आज साउथ इंडिया की फेमस एक्ट्रेस हैं। ये आज 30 इयर्स की हैं और बहुत सी तेलुगु तमिल मूवीज़ में भी नज़र आ चुकी हैं। ये आज बेहद खूबसूरत दिखती हैं जिन्हें पहचान पाना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इसी बीच हंसिका बहुत बार ट्रोल भी होती दिखाई दी हैं, चाहे वो ग्रोथ सप्लीमेंट्स को लेकर हो या फिर वो बोल्ड फोटोशूट्स। हंसिका ट्रोल्स के निशाने पर कई बार आ चुकी हैं। आप चाहें तो हंसिका को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट आई हंसिका के नाम से है, जिस पर आज 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं करिश्मा का करिश्मा, कल हो ना हो और सोनपरी जैसे सुपरहिट सीरियल्स में नज़र आने वाली ये छोटी सी बच्ची। ये आज 26 साल की हैं और फिलहाल एक्टिंग से दूर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। जनक के पापा हैरल शुक्ला एक फिल्म मेकर हैं और आपको जानकर शायद शौक लगे कि ये फेमस टीवी जगत की मां कही जाने वाली सुप्रिया शुक्ला की बेटी हैं और फिलहाल ये डेक्कन कॉलेज से आर्कियोलॉजी में मास्टर्स कर रही हैं। नेक्स्ट चाइल्ड एक्टर हैं शाकाला का बुम बुम और सोनपरी जैसे सीरियल से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेने वाली तन्वी हेगड़े, जो कि आज काफ़ी बड़ी हो गई हैं और ये आज 30 ईयर्स की हैं और साथ ही मराठी फिल्म में भी नज़र आ चुकी हैं, जैसे आलिप्त, शिवा, इनकी कुछ पॉपुलर मूवीज़ हैं और आज ही काफ़ी अलग दिखती हैं। आप चाहें तो आप इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट चाइल्ड एक्टर है तारे ज़मीन पर और बम बम बोले ऐसी सुपरहिट मूवीज़ में नज़र आने वाला ये बच्चा, जो आज कहीं गायब ही हो गया है। लेकिन आपको बता दें इनका नाम दर्शील सफारी है और ये फ़िलहाल 25 ईयर्स के हैं और एक्टिंग से दूर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और कुछ टाइम पहले ये एक वेब सीरीज़ में नज़र आए थे और साथ ही ये काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज़ में भी दिखाई देते हैं। आप चाहें तो इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर आज 200K फॉलोवर्स हैं। नेक्स्ट चाइल्ड एक्टर हैं फना, पार्टनर और ओ माई फ्रेंड गणेशा जैसी बॉलीवुड मूवीज़ में नज़र आने वाला ये क्यूट सा बच्चा, जो कि आज काफ़ी बड़ा हो गया है। इनका नाम अली हाजी है और ये फ़िलहाल 22 साल के हैं और फिलहाल ये एक्टिंग में ही काम कर रहे हैं। इन्होंने 2018 में एक मूवी की थी नोबल मैन, जिसके लिए इन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड भी मिला था और लास्ट ये 2019 में सुपर 30 मूवी में नज़र आए। अली हाजी आज एक्टिंग के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में राइटर और डायरेक्शन में भी काम करते हैं और अगर आप चाहें तो आप इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर आज 18,000 फॉलोवर्स हैं। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर हैं कुछ कुछ होता जैसी मूवी में नज़र आने वाली ये बच्ची, जो आपको आज भी याद होगी। लेकिन आज ये बहुत अलग दिखती हैं और इन्हें पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। आपको बता दें कि इनका नाम सना सईद है और ये आज 33 ईयर्स की हैं और ये 90s के समय में काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ में नज़र आई थी, जिसके बाद ये लास्ट करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 में दिखाई दी थी और उसी के साथ ही काफ़ी टीवी रियलिटी शो और नच बलिए, खतरों के खिलाड़ी में भी नज़र आई
और फिलहाल ये एक्टिंग से ब्रेक लेकर लॉस एंजलिस अमेरिका में रहती हैं। आप चाहें तो आप इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इनके इंस्टा पर आज 7 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। और लास्ट इस वीडियो का आखिरी नाम है बजरंगी भाईजान मूवी में सलमान खान के साथ नजर आने वाली ये बच्ची जो कि आज काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। इनका नाम हर्षाली मल्होत्रा है और ये फिलहाल एक्टिंग से दूर अपनी स्टडीज़ में फोकस कर रही हैं और साथ ही ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी पॉपुलर हैं, जिसकी वजह है इनका यंग लुक, जिस पर कुछ लोगों का कहना है कि इतनी छोटी सी मुन्नी आज इतनी बड़ी कैसे हो गई। लेकिन आपको बता दें कि ये फिलहाल 14 साल की ही हैं। और अगर आप भी चाहें तो आप इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, ये थे कुछ बच्चे जो कि काफ़ी छोटी उम्र में ही अपनी माइंड ब्लोइंग एक्टिंग से आप सभी का दिल जीत चुके थे। इन सभी में से आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद आया और किसके लुक ने आपको बिल्कुल हैरान कर दिया, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। या तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें बात करनी है या मैं जाऊं। बात तो नहीं करनी है लेकिन रुको। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? ऑफ कोर्स, लहंगा दिखा है मेरा, शर्माऊं क्या? मुझे सूट नहीं करता। कहाँ जा रही? कहाँ मतलब मैं भाग रही हूँ। तू ऐसा कभी मत करना। ओके, मैं ऐसा कर रही हूँ, सारा सब कुछ प्लान है, तुम्हें बाय बोलने आई हूँ। तू अभी जा रही है ऐसे?